इस वक्त एक बड़ी खबर एक और आ रही है गाजा पट्टी से 80 किलोमीटर क्षेत्र में। देखिए जो लगातार हमले हैं वो हो रहे हैं और इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान दिखा दें आपको। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है फिलिस्तीन ने हम पर हमला कर अपनी कब्र खोद दी है और अब हम इस हमले का जवाब देंगे। ये कहना है इजराइल के रक्षा मंत्री का। और गाजा पट्टी से 80 किलोमीटर क्षेत्र में आपातकाल भी घोषित हो गया है। लेकिन इस वक्त देखिए किस तरह की सिचुएशन जो है वो इसराइल में बनी हुई है और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं संजीव। संजीव, जिस तरीके से इस अटैक को हम देख रहे हैं, इसराइल ने जो रुख इख्तियार किया है अब वो भी एक अलग तरीके का माहौल पैदा कर रहा है। पीएम कह रहे हैं हम युद्ध में हैं, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब हमास को तैयार रहना चाहिए, हम कब्र खोद देंगे। ये किस तरीके का जो बयान है, ये जो सामने आ रहे हैं, ये क्या दिखाते हैं, ये क्या बताते हैं? देखिए, एक पक्ष है इस पूरे मामले में, वो ये है कि किसने शुरुआत की है और शुरुआत फिलिस्तीनियों की तरफ से किया गया है। फिलिस्तीनियों ने हमला बोला है और फिलिस्तीनी हमले के बाद जो जवाबी कार्रवाई है वो इसराइलियों के द्वारा की जा रही है। हालांकि फिलिस्तीनियों ने हमला किया लेकिन वो उस तरह से नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है जिस तरह से नुकसान इजरायली पहुंचा सकते हैं। और हम देख पा रहे हैं इस वक्त जो जवाबी हमले होने शुरू हुए हैं वो और भी ज्यादा भीषण हैं। देखिए, जब हमले हुए इसराइल पर, दक्षिणी इसराइल पर आज सुबह से, तो हमले में अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, एक व्यक्ति के मरने की सूचना आई है। लेकिन जो जवाबी कार्रवाई हो रही है वो निश्चित ठिकाने चुन चुन करके जो रॉकेट दागे जा रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है। जो गाजा पट्टी पर इस वक्त हमले हो रहे हैं और गाजा पट्टी वो इलाका है जो कि इसराइल के ठीक सामने है, यानी कि अगर कोई इलाका जो इसराइल की जद में आता है, जो सबसे नज़दीक है, तो वो गाजा पट्टी है। और वहाँ की तस्वीर अगर आपके सामने मैं बताना चाहूँ तो बीच में लोहे की दीवारें होती हैं और जो लोहे की दीवारें होती हैं उसमें कई दफ़ा करंट भी चलाया जाता है। कुछ इस तरह से दोनों इलाकों को सेपरेट किया जाता है। दोनों इलाकों की भाषा, बोली, रहने के तौर तरीके, चाल चलन सब कुछ करीब करीब बराबर होता है, एक ही तरह से लोग दिखते भी हैं। कई जासूस दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे के वो घुसे रहते हैं, इसराइली इलाकों में फिलिस्तीनी घुसे रहते हैं और कुछ यहूदी बनकर के जासूसी करते रहते हैं, उसी प्रकार फिलिस्तीनी इलाकों में फिलिस्तीनी बनकर के इसराइली जासूस घुसे रहते हैं। तो ऐसे में जानकारियां एक दूसरे के खिलाफ वहाँ पर अपनी सेनाओं को वो पहुँचाते रहते हैं और तमाम तैयारियां होती रहती हैं हमेशा युद्ध की। और शुरुआत चूंकि अब इसराइल पर अटैक करके फिलिस्तीनियों ने की है तो ये राइट टू सेल्फ डिफेंस का एक मसला होता है इस तरह के मामलों में।